खबरें न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजिता। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर पंचायत लाहार में मां मंगला देवी मेले का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में देर रात्रि तक श्रोताओं ने लिया आनंद। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध रथ यात्रा का हुआ आगाज। भगवान जगन्नाथ स्वामी ने किया शाही जड़ी बूटियों से स्नान। नरसिंहगढ़ में नगरवासियों ने एसडीएम का किया अभिनंदन। जल कल्याणी कार्यों की सराहना। और बैतूल में पानी के लिए स्टेट हाईवे को किया जाम। सड़क पर खाली बर्तन रख आधा घंटे तक किया हंगामा। और खबरें विस्तार से। नगर पंचायत लाहार के तत्वाधान में मां मंगला देवी मेले का आयोजन हुआ। मेले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास की कविताओं ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कवि सम्मेलन का आनंद लिया। किसी के दिल की मायूसी, आपने कहीं भी सुना हो तो नया पुराना सब मिला के सुनाऊंगा, मैं तो पहली बार आया हूं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। आपका नेता तो बहुत अच्छा है, बोले हो के गुजरी है। अब मंत्री जी ने बेचारा ना मजाक में सौम्यता में कहा था कि भाई हमारे खिलाफ भी सुना देना, इसने गंभीरता से ले लिया। कि किसी के दिल की मायूसी। अच्छा कह रहा था चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया, खुद भी चाय पी रहा है, ये भी चाय भी राजनीति से जुड़ गई था। अब तक आपने इंसानों को बीमार होते देखा और सुना होगा, मगर अब हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां भगवान भी बीमार होते हैं। पवित्र नगरी पन्ना में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां वर्षों पुरानी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी को जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा को भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर जड़ी बूटियों के पानी से भरे एक बड़े बर्तन में स्नान कराया जाता है। भक्तों का कहना है कि जगन्नाथ स्वामी को स्नान कराने के कारण लू और लपट लग जाती है और भगवान बीमार हो जाते हैं। 15 दिनों तक भगवान का जड़ी बूटी द्वारा इलाज भी किया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को अमावस्या के दिन कच्चे भोजन का प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। फिर 3 अलग अलग रथों में विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। भगवान को लू लग जाने के बाद दर्शनार्थियों को 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के ठीक होने के बाद रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये परंपरा कम से कम 170 साल पुरानी, हमारे पूर्वज महाराज किशोर सिंह जी पुरी से पैदल चलकर ये प्रतिमा को यहाँ स्थापित की थी। तो आज के दिन क्या परंपरा होती है? आज के दिन यही है कि आज के दिन भगवान बीमार पड़ते हैं और फिर 15 दिन के बाद उनकी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ स्वामी मंदिर में स्नान यात्रा कार्यक्रम मनाया गया। भगवान गर्भगृह से निकलकर कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ बाहर प्रांगण में स्नान करने के लिए गए। वहाँ पर हजार छिद्र वाले घड़ों में जड़ी बूटियाँ औषधियाँ डालकर भगवान के स्नान कराए गए और स्नान करके जब भगवान अंदर आते हैं गर्भगृह में, तब भगवान को लू लग जाती है और लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। अब 15 दिन भगवान बीमार रहेंगे, पट नहीं खोलेंगे, दर्शन नहीं मिलेंगे दर्शन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में नगरवासियों ने एसडीएम सिद्धार्थ जैन का अभिनंदन किया। नगरवासियों ने उनके जल कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। एसडीएम ने कहा कि विकास कार्य में जनता सहयोग जरूरी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे पर खाली बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। मामला बैतूल शहर के गोठाना इलाके का है, जहां लोगों ने 2 घंटे तक सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। नपा के अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों का गुस्सा शांत कराया। गली गली में वाल लगे हुए अभी भी चालू कर दिया जाता है। हम एक मस्कोले मैडम जी है, उनके सहयोग द्वारा 50 से 60 घर रोज 4 घंटे चलाती है, वहाँ से पानी हम भरते हैं और हेडपम्प सूख जाते हैं। वो कहीं अगर बाहर जाते हैं तो हमारी परेशानी हो जाती है, हमें खरीद के दूर से पानी लाना पड़ता है, काम धंधा छोड़ के लाना पड़ता है। आज हमने इस कारण से चक्का जाम किया हुआ है। महिलाएं, भाई बहन, हमारे मोहल्लेवासी सभी नागरिकों द्वारा चक्का जाम की व्यवस्था की गई थी। हमने यहाँ पर रोड पर वही रोका था, पानी की हमको बहुत परेशानी हो रही थी। अभी सरपंच ने हमसे 4 साल से बिल्कुल बहुत आफत कर पैसे जमा करवा लिए हमसे, 4 साल, हाँ 16 में सर, और उनने हमको 10 दिन पानी दिए
दस दिन के बाद में पानी को करवा कर ये आगे के लोग बोलते बोले कि हमारे तरफ पानी नहीं चढ़ रहा, बोले तो उनके तरफ भी बंद करवा दिया उन्होंने। दमोह सागर हाईवे पर टोल टैक्स के पास रोड पार करते समय एक युवक बाइक से टकरा गया। बाइक सवार दो लोगों के साथ युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देखने के लिए मैं यहां पर आ रहा था तो रास्ते में टोल टैक्स के पास में एक्सीडेंट देखा जिसमें तीन लोग घायल थे। आसपास में गाड़ी में से भी कोई रोकता नहीं है और मैंने देखा सामान्य तौर पर वहाँ पर कोई रुक नहीं रहा था। उन तीनों लोगों को मैं अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ पर आया हूँ जिसमें से एक व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर है। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तीनों के तीनों लोग जल्दी से स्वस्थ हों और कोई भी ऐसी जनहानि ना हो। ताप्ती चलूर नहर की मांग को लेकर मंगलवार को 82 गांवों के हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नहर की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 147 गांवों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था को लेकर आक्रोश पनप रहा है। 14 गांव डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। खंडवा से जयप्रकाश राठौर की रिपोर्ट। 43 गांव के लोग मतलब किसान भाई नहर सैनिक बनकर कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन का मुख्य विषय था ताप्ती चिल्लू नहर संघर्ष नहर परियोजना। पिछले गत वर्षों से प्रशासन हमारे क्षेत्र के 147 गांव पर सिंचाई के लिए हम पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और हमें जैसे ज्ञात हुआ है कि हमारे क्षेत्र में ताप्ती चिल्लू नहर परियोजना प्रस्तावित है, स्वीकृत है, जिसका जल्द से जल्द प्रशासन कार्य चालू करवाए। उसमें आ रही बाधाएं मुख्य दो बाधाएं हैं। पहली, पर्यावरण विभाग को 200 हेक्टेयर जमीन जो आवंटित करवाना है गवर्नमेंट उन्हें जल्द से जल्द आवंटित करवाए। दूसरी है जो वहां के डूब क्षेत्र के जो 14 गांव हैं उन्हें उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराकर हमारी इस परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए। छतरपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाली महिला को देवगांव के रहने वाले दिनेश राजपूत ने अगवा कर लिया। बात 28 मई की है। फरियादी ने ओरछा रोड थाना में एफआईआर दर्ज कराई है किंतु पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी दो बच्चों को भी अपने साथ ले गया है। एसपी ऑफिस लिए आए कि हमारी बाइक गुम हो चुकी थी, किसी लड़की के साथ में मतलब लड़का लेके भाग गया था। तब उनका कोई पता नहीं चल रहा, फोन आ रहा उनका तो बोले हमको ले जाओ, हम अरुणाचल प्रदेश में है और हमें वहाँ ओरछा थाने जाते हैं तो हमको वहाँ से भगा देते हैं कि अभी नहीं, बाद में आना, पी आई साहब नहीं है तो कोई नहीं है। तो हम यहाँ एसपी ऑफिस आए तो यहाँ से कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।